हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीट कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 112 का फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। चलो ठीक। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई होगी और एक इंटीजर दिया हुआ होगा के। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि के सब सीक्वेंस द सब सीक्वेंस ऑफ एस ऑफ लेंथ के एंड ऑल कैरेक्टर्स आर यूनिक, दैट इज एवरी कैरेक्टर अकर्स वंस। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है कि एस का एक सब सीक्वेंस को हम के सब सीक्वेंस कब कह रहे हैं? जब उसका लेंथ के हो और उसके सारे कैरेक्टर्स यूनिक हो। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि एक के लेंथ का होगा जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक होगा। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ सी क्या डिनोट करता है कि ये कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर सी एस में कितनी बार आया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है कि द ब्यूटी ऑफ के सब सीक्वेंस द सम ऑफ एफ सी फॉर एवरी कैरेक्टर सी इन द के सब सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी एक के सब सीक्वेंस है उसका ब्यूटी क्या होगा कि जो भी के सब सीक्वेंस में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सब का एफ सी का सम। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल से एक समझते हैं, जैसे कि एस अगर दे दिया ये, ठीक है, और के का वैल्यू दिया हुआ है 2। के का वैल्यू 2 देने का मतलब क्या है कि हम 2 कैरेक्टर का ही, मतलब 2 लेंथ का ही एक सब सीक्वेंस ले सकते हैं और उसका क्या होगा, हाँ, और उसमें क्या दोनों के दोनों यूनिक होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एक के सब सीक्वेंस क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए डी हो सकता है, बी डी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ मतलब और भी हो सकता है, पर अभी हम इतने ही तीन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर ए बी कंसिडर करेंगे तो इसका ब्यूटी क्या होगा कि जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए क्या डिनोट करता था कि एस में ए कितनी बार आया, ध्यान रखना एस में ए कितनी बार आया है। ठीक है, तो वो कितनी बार आया था, 2 बार आया, एक बार आया, सॉरी एक बार आया, तो उसका वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कितना है, 3। ठीक है, तो 1 + 3 = 4। सिमिलरली ए डी का निकालिए, बी डी का निकालिए, तो 5। तो जो मैक्सिमम ब्यूटी कितना आ गया यहाँ पे, 5। ठीक है, तो अब हमें क्या रिटर्न करना, हमें ये रिटर्न करना है कि कितने सब सीक्वेंस होंगे जिसकी ब्यूटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, मतलब लेट्स से कि मान लो कि और भी कुछ कैरेक्टर हम लेते हैं और उसकी भी मैक्सिमम ब्यूटी 5 आ जाती है, तो बहुत सारे तरीके होंगे ना। या तो यही देखो, जैसे कि अभी क्या कर रहे हैं कि ये वाला सेकेंड वाला बी ले रहा है, सॉरी फर्स्ट बी ले रहा है, और उसके बाद फर्स्ट भी ले रहा है और ये फर्स्ट डी ले रहा है। हो सकता है ना कि हम फर्स्ट बी और सेकेंड डी ले लें। ठीक है, तो ये दोनों हम क्या कर सकते हैं कि दो अलग अलग वेज होंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली वही बताना है कि कितने वेज होंगे कि जो के सब सीक्वेंस में मैक्सिमम ब्यूटी दे रहा होंगे। ठीक है, चलो एकदम कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले इसने बोला कि कोई भी एक स्ट्रिंग दे दी एस। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लो कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर देखो ये सारे 1111 कैरेक्टर हो गए तो ऑब्वियस बात है कि मुझे के लेंथ का हमेशा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, पर अगर मान लो कि ए 2 बार आ जाता, ठीक है, अगर ए मेरा 2 बार आ जाता, सॉरी गाइस, हाँ, ए 2 बार आ जाता मेरा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, पहले मैं, अब मुझे ये भी देखना पड़ता है कि दोनों में से कौन सा ए लूं। अब एक और चीज देखते हैं कि मान लो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कि मान लो ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ऐसे बी 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 सी डी 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 3 बार आ गया और ई ई एफ ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, और एक मान लेते हैं कि जी आ गया 5 बार। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि इसमें के इक्वल्स टू 3 है, के इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है कि हम बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चूज कर सकते हैं, मतलब कि जो सब सीक्वेंस होगा हमारा वो 3 लेंथ का होगा और सच दैट उसका जो ब्यूटी है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे f का ब्यूटी कितना है, सॉरी f का फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 बार आया है। b के लिए कितना है, ये भी 3 है। ठीक है, c के लिए कितना है, 1 है। d के लिए कितना है, ये 3 है। e के लिए कितना है, 2 है। ठीक है, f के लिए कितना है, 1 है, और ये g के लिए कितना है, 5 है। अब देखो, अब मैंने बोला कि k इक्वल्स टू 3 ही होना चाहिए। ठीक है, k इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम मैक्सिमम, अगर हम ऐसा सोचे कि अगर देखो, अगर मैं ए को कंसिडर कर लूँ, बी को कंसिडर कर लूँ, सी को कंसिडर कर लूँ, तो मेरा ब्यूटी कितना बनेगा, 3 + 3 + 1, दैट इज इक्वल्स टू टोटल 7। तो अगर देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ना, मैं उनका ही सम कर रहा हूँ। तो अब देखो, अब क्वेश्चन मेरा क्या रिड्यूस हो गया, अब मेरा क्वेश्चन इतना ही रिड्यूस हो गया कि के सेलेक्ट करो, के नंबर सेलेक्ट करने हैं। के नंबर सेलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ ना उसमें से हमें के नंबर सेलेक्ट करने होंगे। अब कौन से के नंबर हमें सेलेक्ट करने चाहिए, ऑब्वियस अगर हमें ब्यूटी मैक्सिमम करनी है तो जो सबसे मैक्सिमम के है, लेकिन अगर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे अगर रहती फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं बोलता कि 3 ही सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस था ना कि ये
ज्यादा सेंस बनाता कि हम 6 7 8 को सेलेक्ट कर ले रेदर देन कोई भी ऐसा दूसरा 3 सेलेक्ट करने से। ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो अब देखो, जब हमें ये क्लियर है कि हमें हमेशा मैक्सिमम वाले ही सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कोई अगर ये डिस्टिंक्ट रहे। डिस्टिंक्ट रहने का मतलब क्या है, मैं एक बार समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि एक फ्रीक्वेंसी 9 थी, एक 8 थी, ऐसे 10 कुछ भी था, 17, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या रहेगा, मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 17 10 9 8, और इसमें एक और ऐड कर देते हैं 9, ठीक है, दो और 9 ऐड कर देते हैं। तो एक 9 यहाँ डाल देते हैं, एक 9 यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं बोला कि k इक्वल्स टू 3 है, k इक्वल्स टू 3 है कहने का मतलब क्या, और ये 17 क्या डिनोट कर रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर c होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा 17, ठीक है। अगर k इक्वल्स टू 3 मैं करूँ तो हम बेसिकली यहाँ तक जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो कि और कोई 9 नहीं होता, और कोई 9 नहीं होता, 8 होता, तब तो मुझे पता है कि मैक्सिमम ड्यूटी कितना होती, 17 + 10 + 9, ठीक है, इतनी होती। लेकिन अगर हाँ, और उसमें हमें क्या, हम यही 3 को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, पर अगर ये भी 9 है तो हो सकता है ना कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है, लेट्स से यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी है और ये ई है। तो अब देखो, हम ये तो पक्का, ये मान लेते हैं ए है और बी है, तो देखो ये तो हमें पक्का पता है ना कि ए और बी तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसको चेंज करेंगे तो हमारी मैक्सिमम ड्यूटी कम हो जाएगी। पर हम यहाँ पे जो थर्ड पोजिशन होगा उसमें हम या तो सी भी ले सकते हैं, या तो डी भी ले सकते हैं, या तो ई भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर देखो, मैं k इक्वल टू 3 बोल रहा हूँ, ठीक है, एक 17 है, a का वैल्यू, b का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू 9 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि a और b तो श्योर लेंगे, क्योंकि अगर a और b हम कुछ भी छोड़ देते हैं, अगर मान लो 17 छोड़ देते हैं, तो इसके बदले कोई भी नंबर चूज करेंगे तो हमारा मैक्सिमम ड्यूटी कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम b को भी छोड़ के अगर कोई दूसरा ले लेते हैं, d या e कुछ भी ले लेते हैं, तो भी मेरा वैल्यू कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 10 था और बाद में 10 से कम ही वैल्यू है, ठीक है। तो क्या सेंस बनाता है कि हम a और b तो पक्का लेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड पोजीशन बचा, थर्ड पोजीशन बचा, अगर मान लो कि यहाँ पे, एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर लो, हाँ देखो, अगर मान लो कि यहाँ 9 नहीं होते, ठीक है, लेट्स से एक सेकंड के लिए भूल जाओ, तो यहाँ पे पक्का हम सी लेते, क्यों, क्योंकि ई लेंगे, ठीक है। अगर ई लेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 थी, और जो हमारा ओवरऑल सम हो जाता है क्या हो जाता है, 17 + 10 + 8, अगर हम ई को कंसिडर करेंगे। लेकिन हम ई नहीं लेंगे, हम सी लेंगे, तो हमारा क्या सम होगा, 17 + 10 + 9, जो कि बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम ब्यूटी हमेशा हमें, मतलब ब्यूटी हमें हमेशा मैक्सिमम चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सी को लेते। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि दो और कैरेक्टर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 9 है, ठीक है, कौन कौन से, डी और ई, ठीक है, डी और ई, एक सेकेंड, ये नहीं जा रहा, कोई नहीं, मान लेते हैं कि डी और ई है, कटा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, एक सेकेंड, उसको हटा के, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं कि हम या तो ये सी ले सकते हैं, या तो ये डी ले सकते हैं, या तो ई ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये दो तो मेरे फिक्स हो गए, ठीक है, ये जो इक्वल हैं, अब इनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो अब देखो, सी डी ई तीनों में से अभी हमें कितना ही चूज करना है, एक चूज करना है, ठीक है। तो अगर हम सी को चूज करते हैं तो मुझे चूज करने का कितना तरीका होता है, 9, ठीक है। अगर डी चूज करते हैं तो भी मेरा कितना चूज करने का तरीका होगा, 9। ई चूज करते हैं तो कितना हो गया, 9। ये तो बहुत सिंपल है कि इन टोटल हमें इसको अगर सम कर देंगे तो हमें टोटल यहाँ पे मिल जाएगा कि ठीक है, यहाँ पे 27 तरीके हो सकते हैं, पर यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर चूज करना था। अब हो सकता है ना कि दो चूज करने हो, क्योंकि मान लो अगर कोई ऐसा ही, मैं इसी में ये कह दूं कि हम के वैल्यू 3 के बदले के को वैल्यू 4 कर दें, तब तो हमें क्या पता होगा कि तब हम हमेशा ए और बी तो लेंगे। अब यहाँ पे दो पोजीशन एम्प्टी होगा भरने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सी से उठा सकते हैं, एक डी से उठा सकते हैं, या तो एक सी उठा ले, एक ई उठा ले, या तो एक डी उठा ले और एक ई उठा ले। तो अब इसके वेज कितने होंगे, तो ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कितने हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल इक्वल कितने थे, 3, ठीक है। उसमें से हमें कोई दो सेलेक्ट करने थे, यही करने थे ना। अगर 3 में से कोई भी दो सेलेक्ट करना होता है तो हम बेसिकली, अगर कोई भी होता है, हम कहते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से हमें k सेलेक्ट करना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो एन सी के हो गया, या r सेलेक्ट करना है तो एन सी आर हो गया। एन सी आर का मतलब तो यही था ना कि n ऑब्जेक्ट्स में से हम r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट
सेलेक्ट कर रहे हैं कि एन में से आर को हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके वेज कितने होते हैं, एनसीआर वेज। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए कि जैसे कि जितने भी कैरेक्टर्स बचे हुए थे उनमें से हम आर सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, जो भी के माइनस जितना फिक्स कर दिया है, जैसे मान लो कि एम एल फिक्स कर दिया, ठीक है, तो बच कितने गए, एल के माइनस एल। ठीक है, तो टोटल हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, और मान लेते हैं कि एन इक्वल थे, एन इक्वल कहने का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे ये तीन इक्वल थे ना, तो हम मान के चलते हैं आखिरी में एन इक्वल है, तो हमें टोटल कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ टोटल कितना हो गया कि एन में से हमें कितना सेलेक्ट करना पड़ा, के माइनस एल। ठीक है, अब देखो ये तो सेलेक्ट करने के वेज हो गए, अब खुद ही देखो, जैसे कि सी था 3 बार, ठीक है, सी था 9 बार, ठीक है ना, हमने यही यही कंसिडर करा था, ठीक है, कि सी था 9 बार, ठीक है, तो सी 9 बार था, तो हम कोई सा भी 9 से ले सकते हैं, समझे ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जो था डी था, मान लेते हैं कि डी कितनी बार आया था, 9 बार आया था, तो मैं 9 में से कोई सा भी डी ले सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, अगर देखो डी के सेलेक्ट करने के वेज कितने हैं, 9, ठीक है, सिमिलरली सी को सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, तो ये हम कितने कितने एक साथ कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, के माइनस एल ही कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, तो बेसिकली ये हम कैसे सेलेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सारे वैल्यूज इक्वल हैं और मान लेते हैं कि वो एम के बराबर है, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, एम का पावर के माइनस एल, तो ओवरऑल वेज कितना हो गया, एन सी के माइनस एल मल्टीप्लाइड बाय एम के टू द पावर, सॉरी एम का पावर के माइनस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ कि नहीं, मैं एक बार वापस फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले हमने नंबर सॉर्ट कर दिए सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 था, 10 था, 9 था, फिर 9 9 9 9 9 9, बहुत सारे 9 है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि अगर ये मान लेते 12 नहीं भी होता, तो टोटल मैं क्या करता कि एन में से ही पूरा पूरे में से माइनस करता, पर अभी मुझे क्या पता है कि ये दो हाईएस्ट है तो मैं इनको कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, अब मुझे मान लेते कि के इक्वल्स टू 4 था, तो जो रिमेनिंग बच गया ना 2, तो इन 9 में से जितने भी इक्वल्स है ना, उन सब में से कोई सा भी हम के, जैसे यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया, तो के माइनस ये बेसिकली 2, इतने एलिमेंट्स को हम कोई से भी 2 में से उठा सकते हैं, इतने सारे में से कोई भी 2 उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसका ये फॉर्मूला हमने क्या एस्टेब्लिश किया कि अगर मान लेते हैं कि टोटल के थे, ठीक है, जिसमें से हमने एल को फिक्स कर दिया कि ये एल तो पक्का पक्का लेने हैं, तो जो टोटल रिमेनिंग कैरेक्टर मान लेते हैं आर, आर कितना हो गया, के माइनस एल। ठीक है, तो अब टोटल, और हाँ हम ये कितने इक्वल मान रहे हैं कि ये कितने हैं जो इक्वल है वो एन मान रहे हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल वो एन है। ठीक है, अब ये जो एन है उसमें से हम कितना लेना है, ये आर। ठीक है, और एक और चीज क्या होगी, जैसे कि मान लो कि मैं इसको ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये मान लो ए है, तो ए को खुद ही सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 9 वेज है। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 इक्वल टू m, मान लो कि यहाँ पे वैल्यू m है, ठीक है, m इक्वल टू 9 है, ये सब सारे m है, तो बेसिकली मुझे r कैरेक्टर्स चूज करने थे, और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चूज करने का खुद कितना तरीका है, 9 या m तरीका है, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, m का पावर r, क्यों, क्योंकि पहला कैरेक्टर को चूज करने का m तरीका होगा, दूसरे कैरेक्टर को भी चूज करने का m तरीका होगा, टोटल m कैरेक्टर्स चूज करने हैं, तो ये, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो जो ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन बना, ओवरऑल सॉल्यूशन बना, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल के उसको एक एरे में डालकर शॉर्ट कर दिया। ठीक है, एरे में डालकर शॉर्ट कर दिया, अब हमें पता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स लेने हैं, के एलिमेंट्स लेने हैं, तो आखिरी इंडेक्स कितना हो गया, के माइनस वन। ठीक है ना, आखिरी इंडेक्स कितना हुआ, के माइनस वन। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम देख लेंगे कि यहाँ कौन सा सबसे पहला इंडेक्स है जो के माइनस वन के इक्वल है। ठीक है, और टोटल कितने नंबर्स हैं जिसका वैल्यू ये के माइनस वन के इक्वल है। ठीक है, हमने के माइनस वन क्यों चूज करा, क्योंकि अगर मान लो कि वो बड़ा रहता नेक्स्ट वैल्यू से, तो हमें फिर ये इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर कर देते हैं। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि मुझे 3 ही कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, और मेरा कुछ एरे ऐसा बना हुआ है कि 10 9 8 7, ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे हमेशा यही 3 लेने पड़ेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 10 × 9 × 8। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं अगर ये मान लो कैरेक्टर ए है, ये बी है, सी है, तो ए सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने वेज थे, 10। सिमिलरली बी सेलेक्ट करने के कितने वेज थे, 9। सी सेलेक्ट करने के कितने वेज थे, 8। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, 9 × 8 × 7। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जब मान लो कि यहाँ पे और 8 8 8 ऐसे आ जाते हैं, तो अब मैं या तो ये सी कर लूँ या तो डी ई एफ मान लो कुछ होते,
ठीक है, तो वो सारे में से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे कि कहाँ तक है जहां पे इक्वल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वो निकाल लिया, अब जितने इक्वल है उनका काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे मुझे क्या एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और आर की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, के माइनस जो भी इसका इंडेक्स है पहला जहां पे मैच हो रहा है, अगर उसका माइनस इंडेक्स करते हैं लेट्स से जे, तो मुझे ये मिल जाएगा कि ये अब हमें कितने और एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं इन एन में से। ठीक है, और कोई भी जो के हो एम होगा वो क्या होगा, किसी भी ये जो एरे है उसका के माइनस आई पोजिशन ले लो, चाहे ये जहां भी इक्वल है उनमें से किसी एक का वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। ठीक है, एक बार चलते हैं कोड पे, कोड देख लेते हैं कोड क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमने कोड में क्या करा है, सबसे पहले हमने कोड में करा है कि अच्छा ये नहीं देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैप में हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद हमने क्या करा, इसको वेक्टर में पुश करके इसको शॉर्ट कर लिया। ठीक है, और एक हम ये एन इक्वल्स टू जीरो मेंटेन करके चल रहे हैं कि अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि जीरो एलिमेंट्स इक्वल है, और हमने जे इक्वल्स टू के माइनस वन रख दिया कि के माइनस वन वाला एलिमेंट तो के माइनस वन वाले एलिमेंट से इक्वल होगा, है ना। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये फाइंड कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं जो के माइनस वन के इक्वल हैं, और वो मिनिमम इंडेक्स कौन सा है जहाँ पे के माइनस वन इक्वल है। ठीक है, मतलब जहाँ का एलिमेंट के माइनस वन वाले पोजिशन के एलिमेंट से इक्वल है, तो वो हम जे में निकाल लिए। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जहां भी इक्वल है उसके पहले तक का हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर इक्वल टू हमने वन ले लिया था, आंसर मल्टीप्लाई करते हैं और मॉड था तो हम मॉड लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है कि हमें क्या लगाना है कि एन सी आर एम टू द पावर आर। तो इस वीडियो में एन सी आर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप गीक्स पे देख लेना या कहीं और देख लेना, या आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, जो मेरा एनसीआर कैलकुलेट करके देगा विथ मॉड। ठीक है, क्योंकि मुझे मॉड भी चाहिए था। ठीक है ना, और फिर लास्ट में मैंने क्या जो एम टू द पावर के था वो कर दिया, और फाइनली मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक बार हम सबमिट करके देख लेते हैं कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं। इसी सॉल्यूशन है, आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू, बाय।